दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि साउथ इंडिया में प्रसिद्ध उपमा कैसे बनाया जाए। इसको बनाने के लिए आपको ज़रूरत है एक प्याज, मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ, धनिया के पत्ते, हरी मिर्च थोड़ी कटी हुई, कड़ी पत्ते, अदरक बारीक कटा हुआ और लहसुन बारीक कटा हुआ, रिफाइंड ऑयल, इसके अलावा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी का पाउडर, सूजी और थोड़ा सा नमक। तो सबसे पहले पैन को गर्म करेंगे। पैन में थोड़ा सा तेल, रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसको गर्म होने देंगे। ध्यान रहे कि गैस को पूरी तरह से तेज़ भी नहीं करना है और गैस को पूरी तरह से धीमा भी नहीं करना है। मीडियम आंच पे इसको धीरे धीरे पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा हरी मिर्च, अदरक पिसी हुई, लहसुन, पिसा हुआ, इसे थोड़ी देर चलाएंगे। डालेंगे कड़ी पत्ते। कड़ी पत्तों को डालने के पहले ठीक से धोना जरूरी है और ध्यान रहे कि इसका डंठल प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि डंठल में एक कड़वा कसैला सा स्वाद होता है। अब इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को हल्का गुलाबी रंग आने तक भूनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्याज हल्का भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। जैसे मैं एक आदमी के लिए बना रहा हूँ, स्वादानुसार और आवश्यकता अनुसार दो या तीन आदमियों के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे।
इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, जो कि उपयुक्त रहेगा। ध्यान रहे इसे लगातार चलाते रहना है ताकि सूजी जल ना जाए। नमक स्वादानुसार डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 कप पानी। इसे चलाते रहेंगे ताकि कहीं भी गांठ सी ना बन जाए। अब इसमें डालेंगे धनिया। ध्यान रहे आपको केवल धनिया के पत्ता डालना है, डंठल नहीं। उसके लिए आप डंठल से पत्तों को तोड़ लें। कुछ लोग डंठल के साथ इसको काट देते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि वो सही तरीका है, क्योंकि उससे डंठल का एक खास तरह का कसैलापन इसमें आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो उपमा है अब ये अपना स्वरूप लेने लग गया है। इसे चलाते रहें। अब ये बनकर तैयार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इस तरह से अपने घरों में उपमा बनाएंगे और इसका लुत्फ़ उठाएंगे। धन्यवाद।